प्रदेश के जनपद हरदोई में दो पक्षों में गोली चलने से पिता पुत्र की मौत हो गई। मामूली विवाद के बाद दो पक्षों में गोली चलने का मामला सामने आया है, जिसमें दो की मौत सहित तीन लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए एम्बुलेंस से मेडिकल कॉलेज भेजा गया। जानकारी के अनुसार शहर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम भदेजा में बुधवार की शाम को गाँव निवासी बाबू राठौर और गुड्डू सिंह के बीच में मामूली विवाद हो गया, जिसे बात बढ़ने पर दोनों पक्षों में गोली चल गई, जिसे बाबू राठौर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका 23 वर्षीय बेटा लकी घायल हो गया है, जिसे गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसमें बाबू राठौर के परिवार में पत्नी बेटा और बेटी घायल हुए हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज लाया गया। ग्रामीणों के अनुसार दोनों पक्षों के बीच में पुरानी रंजिश चल रही है और इसी को लेकर दोनों पक्षों में बुधवार को मामूली विवाद हो गया, जिसके बाद में फायरिंग में पिता पुत्र की मौत सहित पत्नी बेटा और बेटी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और घटना के कारणों की पुलिस छानबीन कर रही है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। ग्राम भदेचा है कोतवाली सिटी एरिया में, वहाँ पर आज शाम को एक बाबू सिंह नामक व्यक्ति के ऊपर एक गांव के ही बाबू सिंह नामक व्यक्ति के परिवार द्वारा हमला किया गया, जिसमें बाबू सिंह और उनके बेटे की डेथ हो गई है, दो अन्य घायल हैं। और इस संबंध में अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगाई गई हैं। जो मौके पर पता लगा है, इसी मामले से ही बात पर जो अभियुक्त है वो हमलावर हुए थे और बात बढ़ गई, जिसमें मृत्यु हो गई। सर, परिवारजन बता रहे हैं कोई जो है घोड़ा जलाने का विवाद था, उसको लेकर जो है आज कुछ बात हुई और उसमें पिछले समय में कार्रवाई भी हुई थी, जो जैसा मौके से पता लगा है। और अभी सुदीप साक्षियों से ही बात हुई है, और सिर्फ इतनी ही है, कोई बहुत ही मामूली बात थी, संभवतः गाली गलौज की बात थी और कोई ऐसी रंजिश की बात सामने नहीं आई। अरेस्टिंग वगैरह हुई है क्या? कई टीमें हमने लगा रखी हैं, बस अड्डे पर है, रेलवे स्टेशन पर है, और जहाँ भी और जा सकते हैं वहाँ टीमें भेजी गई, शीघ्र ही अरेस्ट की गई है। सर, जो गाली गलौज का मामला है, ये इसके पीछे वजह क्या है, क्या वजह थी जो गाली? अभी थोड़ी देर पहले की घटना है, पुलिस द्वारा सभी पहलुओं की छानबीन की जाएगी, क्या कारण थे, क्या नहीं थे, किस तरह से घटना हुई, सभी एक तरीके से।